फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी ने जो रिजल्ट पेश किया है उसने सबको चौंका दिया है। रिजल्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए और ये जो रिजल्ट है इसके बाद में कंपनी के सीईओ और सीएफओ की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान आए। क्या है वो बयान, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय सुजलोन एनर्जी में एंट्री करने का सही मौका है, क्योंकि फिलहाल तो ये कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, पर जिस तरह से कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया Q3 में, यह इशारा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में जितने भी बिजली की जो खपत होगी वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगी, तो ऐसे समय में सोलर पावर और विंड पावर के दिन पलटने वाले, और ये जो स्टॉक जो फिलहाल कौड़ियों के भाव में मिल रहे आने वाले समय में सोना उगल सकते हैं, तो ऐसे में मौका है इनमें खरीदारी का। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारा नया बजट भी आने वाला है 1 फरवरी को। उसके बाद में अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो यहाँ पे लगातार तेजी बन सकती है। वैसे तो जो रिजल्ट के आंकड़े जो निकल कर आए उसके बाद में यहाँ पे तेजी की संभावना बन चुकी है, लेकिन बजट इसमें और तेजी बढ़ा सकता है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट का मौका बन जाता है। और ये सुजलोन एनर्जी का स्टॉक क्या आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है, कहाँ तक स्टॉक दौड़ के जा सकता है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में बहुत सारे लोग जो डर रहे हैं कि ऊर्जा ग्लोबल में हमको फंसाया गया है, उनको इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी मिलेगी कि उनकी जो वेबसाइट है उस पर क्लियरली कहा गया है कि बहुत जल्द उनके ई व्हीकल आने वाले हैं, बुकिंग उनकी शुरू हो चुकी है, तो वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और जो जल्द से जल्द सर्किट खुलने की संभावना बनने लगी है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते। तो सुजलोन एनर्जी का स्टॉक फ्राइडे को 11.95 पर ओपन हुआ, 12.05 की हाई बनाई और 11.35 की लो बनाई, और एंड में 11.45 पर करीब 0.87% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। और वैसे ये जो गिरावट हुई इसके पीछे जो वजह थी वो थी बाजार में गिरावट, जहां पे बड़ी तेजी के बाद में जो क्लोजिंग थी वो हमें रेड में होती हुई दिखाई दी, और इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अच्छी खासी खरीदारी हुई है। अगर सुजलोन की हम परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल से यानी दिसंबर के पहले स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड किया है काफ़ी समय तक, यानी साल भर स्टॉक की जो प्राइस थी वो 6 से 7 के बीच में ही थी। आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर को भी इसकी प्राइस 7 रुपीज़ के आसपास थी, और उससे पहले 6.60 की प्राइस थी 1 फरवरी 2021 को। तो पिछले एक साल से इसने प्रदर्शन बेहतर नहीं किया था, और उसके पीछे वजह थी कि रिजल्ट में भी हमें कोई खास बात देखने को नहीं मिली थी। लेकिन मैंने रेगुलरली आपको इसको खरीदने के लिए कहा है, पिछले एक साल से मैंने लगातार आपको कहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ेगा, और फिर इसने दौड़ना शुरू किया, कम समय में अच्छा रिटर्न भी दिया, और ये स्टॉक अब लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो इन्होंने इस बार जो प्रॉफिट दिखाया बहुत ही शानदार है, क्योंकि कंपनी लगातार बड़े लॉस में थी, तो इस बार इन्होंने 37.73 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बताया Q3 में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी 118.06 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, और इनकी इनकम में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो 1,615.06 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 959.52 करोड़ रुपीज़ की इनकी इनकम थी, तो लगभग दुगुना उछाल आया है। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट के बाद कंपनी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, कंपनी के CEO अश्विन कुमार ने कहा है कि Q3 के रिजल्ट के आंकड़े देखकर हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई है, इस रिजल्ट को देखकर हम सेटिस्फाइड है, जबकि बहुत ज़्यादा हमारे लिए चुनौतियाँ थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें तकलीफ हुई इस कोविड की वजह से, हमें बहुत सारी मुसीबतों को फेस करना पड़ा, और इस समय जो बिजनेस की जो ग्रोथ हमें देखी है इस कोविड के बावजूद वो अच्छी है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का हमने सामना किया, क्योंकि COVID-19 का इफेक्ट पूरी दुनिया पे था। लेकिन जो बात है कि अभी भी इस क्षेत्र के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उसको अभी पूरा करना, उस जगह तक हमें पहुँचना है, क्योंकि फिलहाल हम पूरी तरह से अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये जो अब आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारे लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट की हम संभावना कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से हमें खुली छूट दी जाए, ताकि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके, क्योंकि बहुत सारी अभी मजबूरियां हैं, हमारे लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और सरकार का सहयोग हमें मिल रहा है, और जैसे ही इस बार का जो बजट पेश होगा उस बजट में हमें बहुत सारी अपेक्षा है, तो ये कहना है इनके CEO का। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ CFO है हिमांशु मोदी, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जो है कच्चे माल की और जो मटेरियल है हमारा उसकी प्राइस बढ़ रही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लगातार रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ रही है, और इस वजह से हमें अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ रही है, और मार्जिन और वॉल्यूम को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
और लगातार जो हमारे को सबसे बड़ी तकलीफ हुई कि जो जीएसटी है वो 5% या 12% कर दी गई है, और इस वजह से हमारी कॉस्टिंग में बढ़ोतरी हो रही है, और इसलिए बाजार में हमें टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके बावजूद भी हम अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब होते हुए भी हमने जिस तरह से अपने जो रिवेन्यू को 1597 पर जो हमने मेंटेन रखा है, वो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि इस तरह से जो पे कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई, जीएसटी में बढ़ोतरी हुई, उसके बावजूद भी हमने अच्छी खासी अपने रिवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। लेकिन आने वाले समय में इस क्षेत्र में सरकार की तरफ से हम बहुत राहत की अपेक्षा कर रहे हैं, और तभी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जो हमने रिजल्ट पेश किया वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप देख लो कि सीएफओ और सीईओ के जो बयान है वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है, और जिस तरह से समझ में आ रहा है कि पटरी पे आ चुकी है सुजलॉन एनर्जी, और सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में एक बड़ा उगता हुआ सितारा बन सकती है। जिस तरह से 2008 के आसपास कंपनी का जो शेयर प्राइस थी वो 400 के आसपास थी जब सुजलॉन इस क्षेत्र में नई नई शुरुआत की थी, और बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा खासा काम मिल रहा था, वो समय फिर आ चुका है जब कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो यह विंड पावर सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है, जिसका इंडिया के अलावा 17 अलग अलग कंट्रीज में कारोबार है। यह बहुत ही पुरानी कंपनी है और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी इस क्षेत्र में एंट्री करने जा रहे हैं, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना सुजलॉन एनर्जी के पास है, क्योंकि बहुत ही पुरानी कंपनी है और इस क्षेत्र का एक माना हुआ नाम है। तो ऐसे में इसके लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट है, और ये कंपनी तेजी से ग्रो कर सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है तो ऐसे में उसको सुजलॉन एनर्जी की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में इस कंपनी के वारे न्यारे हो सकते हैं और तेजी के साथ स्टॉक बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में ये छोटा पैनी स्टॉक आपके लिए एक लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है। इस समय इन्वेस्टमेंट करोगे, आने वाले समय ये डेफिनेटली आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकता है। जैसे कि एक बार हम इसके प्रमोटर और शेयर होल्डिंग पैटर्न के वो डिस्कस करते हैं, तो जय आप देखोगे कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे लगातार हमें कम होती हुई दिखाई दी थी। जून में 16.52% थी, सेप्टेम्बर में 16.41 हुई, दिसंबर में 16.04 हुई। तो ये जो प्रमोटर होल्डिंग कम हुई तो उसकी हमें चिंता बढ़ी थी, लेकिन इस बार जिस तरह से कंपनी ने अपने कर्ज में कमी की है, अपनी देनदारियों को उन्होंने चुकाया है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि इन्होंने इस अपनी जो यहाँ पे होल्डिंग बेच के जो पैसे आए उसका इस्तेमाल सही जगह पे किया है, तो ये एक काबिले तारीफ बात है। अब बात करें एफआई की, तो एफआई भी यहाँ पे अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं, जहाँ पे जून में इन्होंने 9.05% की होल्डिंग रखी थी, सेप्टेम्बर में 10.42 की थी, फिलहाल 8.96% की अच्छी खासी होल्डिंग है। बड़े फंड हाउस ने भी अच्छा खासा निवेश करके रखा हुआ, यानी 12.74% की होल्डिंग जून में थी, 10.73 की सेप्टेम्बर में, फिलहाल 10.50% की अच्छी खासी होल्डिंग दिसंबर में भी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जहाँ पे जून और सेप्टेम्बर में उनकी 0.03% की होल्डिंग थी, फिलहाल 0.04% होगी। यानी आप देख लो तो एक तरफ से एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सबका निवेश बन रहा है, यानी भरोसा लोगों का कायम हो रहा है स्टॉक के ऊपर। सिर्फ जनरल पब्लिक ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फंड हाउस और फॉरेन इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो वाले हैं वो भी इसमें निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग देखें तो 61.69% होल्डिंग जून में थी, 62.44 हुई सेप्टेम्बर में, फिलहाल 64.50% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 84% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख लो कि यहाँ पे 89% लोग 100 में से लेना पसंद करें स्टॉक को। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है, अगर बाजार में गिरावट बड़ी होती है तभी यहाँ पे मुसीबत है, वरना इसके लिए दो बड़े प्लस पॉइंट है। एक तरफ तो इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, दूसरी तरफ बजट आएगा। बजट में यहाँ पे हमें पूरी तरह से पता है कि आने वाले समय में सरकार बहुत ज़्यादा राहत के द्वार खोलने वाले ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए, और ऐसे में ये स्टॉक तेज़ी से भागेंगे। लेकिन बाजार ने अगर साथ नहीं दिया तो फिर तकलीफ हो सकती है, और ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसे में गिरावट में 11.15 पर फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गया तो 10.90 तक जा सकता है, थर्ड सपोर्ट 10.45 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 11.85 का फर्स्ट टारगेट है, 12.30 का सेकंड टारगेट और 12.55 का थर्ड टारगेट, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टॉक तेजी में 12.5 को क्रॉस कर सकता है, और इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, सही मौका है। यह स्टॉक आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। 5 साल के लिए अगर स्टॉक को होल्ड कर लेते हो तो मुझे लगता है ये 500 को आराम से क्रॉस कर सकता है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो ऊर्जा ग्लोबल के लिए एक पॉजिटिव बात निकल कर आई है कि यहाँ पे अब ट्रेडिंग हुई है, अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है फ्राइडे के दिन, यानी 21.25 पर स्टॉक ओपन हुआ था, लेकिन ये 22.30 की इसने जो हाई बनाई है ये एक इशारा है कि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी होती है। लोअर में सर्किट में सर स्टॉक खुलने के बावजूद भी यहाँ पे कामकाज हुआ है, अच्छा खासा कामकाज हुआ, करीब 1 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ है। तो ये इशारा है कि लोगों ने अब खरीदारी शुरू कर दी है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपनी का कारोबार। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मैंशन कर दिया है कि वो ईवी व्हीकल बना रही है और अब शुरुआत कर चुकी है, और इन्होंने अपनी बुकिंग के लिए भी डिटेल दे दी है किस तरह से बुकिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक कार के लिए भी बुकिंग शुरू कर चुके हैं, और इनका कहना है कि
आप बुकिंग के बाद आपको 3 महीने के बाद ये डिलीवरी मिल जाएगी। मतलब आप देख लो कि इनके जो प्रोडक्शन है वो फाइनल होने की कगार पे है, इसीलिए इन्होंने बुकिंग शुरू कर दी है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी बुकिंग के लिए एक ऊर्जा केंद्र भी शुरू कर चुके हैं बहुत जगह पे, जिसके माध्यम से वहाँ पे छोटे से छोटे गांव में आप ऊर्जा केंद्र के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट है ऊर्जा ग्लोबल के वो वहाँ से ले पाएंगे। और ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे ऊर्जा केंद्र से यहाँ पे इनके ई व्हीकल की बुकिंग भी हो पाएगी, तो कंपनी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है और आने वाले समय में ये स्टॉक भी मल्टी बैगर बन सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे सर्किट खुले और फिर आप सही इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे मैंने आपको ऊर्जा ग्लोबल के लिए लगातार बोला था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, तेजी एक तरफा बनी थी, 6-7 रुपये का स्टॉक 33 तक पहुंच गया था, इसीलिए वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और ये मैंने लगातार आपको बोला था, आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको लगातार बोला था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस स्टॉक को पिक करने को कहते हैं लोग पिक तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलते हैं उस समय प्रॉफिट बुक नहीं करते, और जब गिरावट लगातार होती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। ये ऐसा आप कभी ना करें, जब कहते हैं आपको प्रॉफिट बुक करने, अगर आपका शॉर्ट टर्म मीडियम नजरिया है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, चाहे उसके बाद प्राइस भले बढ़े उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ बाहर निकले। कोई स्टॉक अगर आपने 6 रुपीज़ में पिक किया, उसकी प्राइस 20 रुपीज़ पहुंच गई, यानी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे में वो स्टॉक आपको बेच के बाहर निकल जाना चाहिए, भले उसकी प्राइस 30 हो जाए, उससे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये होती है गणित, अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो फिर आप लॉस बुक कर जाते हो, तो ये ध्यान आपको रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये दोनों स्टॉक आगे जाके कमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।